अब देखो वॉइस वगैरह चेक करना है, मैं चेक कर लूँगा, तो मैं अभी देख जाऊँगा यूट्यूब। आ गई आ गई आ गई। यूट्यूब पर गई? नहीं यूट्यूब पर जाऊँ। नमस्कार सभी साथियों को, वेलकम टू इन्फो ट्रेड। आज की क्लासेस हमारी यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पर दोनों जगह चल रही है। तो सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम आशीष है। जैसे कि आप सब जानते हैं, कटिंग टूल में हमारा जो लास्ट टॉपिक चल रहा है ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील की इससे पहले तीन क्लासेस में अपने जो एप्लीकेशन है उस पर दे चुका हूं। आगे की क्लासेस आज आपको यूट्यूब पे भी मिलेगी और प्लस एप्लीकेशन पे मिलेगी। और जितने हमारे एप्लीकेशन पर कोर्सेज है एबीटी का और इसरो का, वहां भी आपको एक लिस्ट डेली लाइव ऐसे ही मिलती है। ओके, तो जैसे कि आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्या ग्राइंडिंग व्हील के बारे में। ओके, तो ग्राइंडिंग व्हील की कुछ इमेजेस आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है और ये ऐसे ऐसे कुछ इस प्रकार कटिंग कर चुका है। ये मैं थोड़ा आपको जल्दी वे में बताऊंगा, क्योंकि ये सारी क्लासेस जो है मैं आपको प्रीवियस क्लासेस में बता चुका हूं। ओके, ठीक है। तो क्या मुझे ग्राइंडिंग व्हील से मुझे यहाँ ये जानने को मिल गया, भाई फटाफट से आप ये देखिए कि ग्राइंडिंग व्हील आपने देख लिया तो टॉपिक डाल लीजिए। सबसे पहले क्या आप ग्राइंडिंग, सबसे पहले आप क्या डालेंगे टॉपिक, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग। तो जो हमने अभी इमेजेस देखी तो क्या हमें वहां से एक चीज देखने को मिली कि क्या हमारी ग्राइंडिंग मेटल मटेरियल को रिमूव करती है? हाँ जी करती है, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूं कि ग्राइंडिंग की सहायता से हम मटेरियल को रिमूव कर सकते हैं क्या? हाँ जी कर सकते हैं। मगर ग्राइंडिंग का मेन जो फंक्शन होता है ना, वो मटेरियल को रिमूव करना नहीं होता। ग्राइंडिंग का मेन फंक्शन होता है किसी भी सरफेस को फिनिश करना। क्लियर? ठीक है, तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा? सरफेस को फिनिश करना। ओके, किसकी? वर्कपीस की ऊपरी सरफेस को फिनिश करना। तो ये ग्राइंडिंग का मेन फंक्शन हमारा ये होता है। ओके, ये बात आप ये भी जान लीजिए, मैंने इससे पहले वाली क्लासेस में भी आपको बताया था कि ग्राइंडिंग व्हील जो है उसका जो मेन फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं या एडवांटेजेस की बात करूं कि ग्राइंडर की सहायता से हम कटिंग टूल की जो एज कटिंग एजेस होते हैं वो शार्प कर सकते हैं। किसी भी जो आपकी जो शीट होती है उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं, या कोई भी रोड हो उसे दो भागों में बांट सकते हैं, या किसी इसका जो मेन फंक्शन ये होता है किसी वर्कपीस की सतह को ऊपर अधिक उसे अगर मुझे अधिक शुद्धता में लाना है या अधिक शुद्धता में अगर मुझे फिनिशिंग करनी है तो किसकी सहायता से करूंगा मैं? ग्राइंडिंग की सहायता से करूंगा। और ये मटेरियल को बहुत कम रिमूव करती है। मटेरियल इसकी सहायता से रिमूव तो होता है मगर कैसा होता है? बहुत कम होता है। क्लियर? ठीक है, इमेजेस की तरफ देखें भाई, हमारी इमेजेस क्या कहती है ये मैं सारी चीजें आपको जल्दी में बता रहा हूं, क्योंकि इससे पहले तीन क्लासेस में ये सब मैं डिटेल में कवर कर चुका हूं। ओके, देखिए क्या कहता है ये कि जब ग्राइंड, एक मिनट रुकिए, मैं ग्राइंडिंग व्हील की आपको डेफिनेशन दिखा देता हूं जल्दी से। ग्राइंडिंग व्हील की डेफिनेशन क्या होगी देखिए फटाफट क्या कहता है कि ग्राइंडिंग व्हील एक मटेरियल को काटने की विधि है। हाँ जी है, बिल्कुल सहमत है, जो छोटे कणों के रूप में वर्कपीस से मटेरियल को घूमते हुए व्हील के द्वारा काटती है। ठीक है, छोटे कणों को मैंने बताया था, यानी मटेरियल को रिमूव तो करेगी मगर बहुत कम अमाउंट में करेंगी। ओके, इस ऑपरेशन में जो व्हील उपयोग होती है उसे हम क्या कहते हैं? ग्राइंडिंग व्हील कहते हैं। ओके, और यह मूल रूप से परीक्षण प्रक्रिया, परीक्षण प्रक्रिया मतलब होता है फिनिशिंग प्रोसेस है, जिसका उपयोग करीबी आयामी का मतलब होता है क्लोज डायमेंशन। इसका मतलब क्या होगा? यानी जितनी आपको वर्कपीस से मटेरियल हटाना है ये मैक्सिमम उतना मटेरियल हटा देती है। ठीक है, और चिकनी सतह बनाने के लिए किया जाता है, यानी स्मूथ फिनिश बनाने के लिए किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें मैं आपको कल वाली क्लासेस में भी बता चुका हूं। ओके, तो कल मैंने आपको ड्रेसिंग और ट्यूनिंग पढ़ाया था ना मैंने। तो ड्रेसिंग और ट्यूनिंग की आप सबसे पहले डेफिनेशन देख लीजिए। ड्रेसिंग और ट्यूनिंग की डेफिनेशन क्या होती है? जब ग्राइंडिंग व्हील धीरे धीरे उपयोग के दौरान खराब हो जाता है और लोडिंग और ग्लेजिंग के कारण इसकी दक्षता काटने की क्षमता कम हो जाती है, तो इसकी दक्षता और काटने की क्षमता को पुनः प्राप्त करने के लिए ग्राइंडिंग व्हील के नए तेज अपघर्षक का मतलब होता है एब्रेसिव कणों को उभारना आवश्यक होता है, यानी नए कण लाने पड़ते हैं।
इस विधि को ड्रेसिंग कहते हैं। यह विभिन्न प्रकार के ड्रेसिंग उपकरण से की जाती है, यह मैंने आपको कल बता दिया था, ठीक है। तो जिस किसी स्टूडेंट को डेफिनेशन नहीं लिखी थी कल जो मैंने पढ़ाया था आपको, तो वो प्लीज नोट कर लीजिएगा, ओके। अगर मैं इसकी बात करूं ट्यूनिंग की, ट्यूनिंग हमारा क्या कहता है, ट्यूनिंग भी देख लीजिए। जब ग्राइंडिंग व्हील का कोई किनारा टूट जाता है या टेपर में हो जाता है, कल बता चुका हूं, ओके, तो ग्राइंडिंग व्हील के फेस की आकृति सही करने के लिए या बदलने की विधि को क्या कहते हैं, ट्यूनिंग कहते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स का ट्यूनिंग और ड्रेसिंग एक ही उपकरण के साथ की जाती है, जिसे हम स्टार ड्रेसर कहते हैं, डायमंड ड्रेसर भी कहते हैं, क्लियर, ओके। तो उसकी भी इमेज देख लीजिए, स्टार उसके ड्रेसिंग कैसे करेंगे, यहां देखिए फटाफट से, ये देखिए आपने स्क्रीन पे इमेज देखिए, स्क्रीन पे आपकी इमेज आ रही होगी, ओके। ये क्या था आपका, ये पूरा आपका ग्राइंडर व्हील था, ओके। ये क्या था आपका, टूल रेस्ट है, ये क्या था आपका, टूल रेस्ट है, टूल रेस्ट पे से बिल्कुल टिकाना है, ओके। और जो इसके स्टार व्हील के जो कोने होते हैं ना, ये वाले जो कोने होते हैं, ये वाले कोने जो होते हैं, ये एब्रेसिव के अंदर क्या होते हैं, धस जाते हैं, और इनके अंदर जो मटेरियल आपका फंसा हुआ है वहां से ये मटेरियल को इजीली हटा देते हैं, क्लियर, ओके। ये कौन सा है हमारा, ये हमारा भाई, ये कौन सा है, ये हमारा डायमंड ड्रेसर है, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, डायमंड ड्रेसर है। कल मैंने आपको बताया था कि कौन किस ड्रेसर की सहायता से, किस ड्रेसर की, एक मिनट वीडियो रुक गई क्या भाई, सॉरी नहीं रुकी, किस ड्रेसर की से, जब आप ड्रेसिंग करेंगे तो एंगल कितना होना चाहिए, 10 से 15 डिग्री का होना चाहिए, क्लियर, ओके। तो ये सारी चीजें आप क्लियर कर चुके हैं, ओके। तो इतना तो था हमारा कल की क्लासेस में। आज की क्लासेस में हम क्या जानेंगे, आज की क्लासेस में अब आपकी जो क्लासेस है अब चालू हुई है। हाय सर, हाय, हेलो 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 भाई, हेलो सभी को, हेलो सर, कल मॉर्निंग में ग्राइंडिंग व्हील क्लास हो कट हो गया था, फिर से बता दीजिए, कल की क्लास में, कल की क्लास में क्या, कल की क्लास में ये पार्ट नहीं है, ओके। माउंटेनियो ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है बताता हूँ, ठीक है मैं माउंटेनियो ग्राइंडिंग व्हील बताता हूँ, ओके। तो आज की जो क्लासेस होगी, क्लासेस आपकी जो चालू हुई है वो अब हुई है, असल में लिख लीजिए टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है नरेंद्र, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा अभी, ओके। टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, यानी ग्राइंडिंग व्हील आपके कितने तरह के होते हैं, क्लियर मेरी बात, ओके। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, टॉपिक क्या होगा आज का हमारा, टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। देखिए काम के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील को दो भागों में बांटा हुआ है। पहला कौन सा भाग होता है आपका, रफ ग्राइंडिंग व्हील, ROUGH, रफ ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। यहां ग्राइंडिंग व्हील को ना मैं GW लिख रहा हूं भाई, मैं क्या लिख रहा हूं, GW लिख रहा हूं, ओके। और दूसरा कौन सा होता है आपका, प्रिसीजन ग्राइंडिंग व्हील, प्रिसीजन ग्राइंडिंग व्हील, ओके क्लियर। तो ये दो तरह के आपके ग्राइंडिंग व्हील होते हैं। रफ ग्राइंडिंग व्हील का काम कहां करते हैं, जहां हमें फिनिशिंग की आवश्यकता नहीं होती, उसके अंदर कुछ हमारे ग्राइंडिंग ऑपरेशन आते हैं जो कि आज डिस्कस करेंगे। और जो सेकंड आता है आपका, प्रिसीजन ग्राइंडिंग व्हील, यानी जहां आपको ग्राइंड मटेरियल को रिमूव तो करना है मगर बहुत कम मात्रा में करना है, और उस पे एक्यूरेसी कैसी चाहिए आपको, बिल्कुल हाई फिनिशिंग में चाहिए, क्लियर। तो वो होते हैं आपके क्या, प्रिसीजन ग्राइंडिंग व्हील, ओके। तो सारी बातों को बिल्कुल अब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, जो पहला हम ग्राइंडिंग व्हील डिस्कस करेंगे, बेंच ग्राइंडर, कौन सा करेंगे, बेंच ग्राइंडर, ओके। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपकी स्क्रीन पर दिखा, ये कौन सा होता है आपका, बेंच ग्राइंडर, ये कौन सा है आपका, लिखिए ये कौन सा आपका, बेंच ग्राइंडर। सबसे पहली बात, बेंच ग्राइंडर को यूज कहां करते हैं, लिख लीजिए, बेंच ग्राइंडर का यूज करते हैं हम टूल रूम में, कहां करते हैं स्टूडेंट्स, टूल रूम में यूज करते हैं। देख लीजिए, सुन लीजिए, कल मेरे से किसी ने क्वेश्चन ये पूछा था कि सर व्हील ड्रेसर को टूल रेस्ट पे रखते हैं, हाँ जी रखते हैं। तो व्हील के बीच में और जो टूल रेस्ट ये होती है, इनके बीच में यह हल्का सा गैप होता है, वो गैप कितना होता है, ठीक है, तो 3 से 6 mm होगा, वो कितना होगा, 3 से 6 mm गैप होता है, या आप कम से कम जितना रख सकते हैं उतना बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्लियर। तो ये टूल रेस्ट हो गया, ओके। तो बेंच ग्राइंडर हम इसे किस लिए कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये बेंच पे हमारा फिट होता है, ओके क्लियर। इसका जो इस पे एक तरफ ग्राइंडिंग व्हील ये होता है और दूसरी तरफ ग्राइंडिंग व्हील इसका ये वाला होता है। एक तरफ जो ग्राइंडिंग व्हील होगा वो आपका रफ होगा और दूसरी तरफ क्या होगा, वो आपका
फाइन ग्राइंडिंग व्हील होगा। क्लियर? तभी ऐसा नहीं होगा कि दोनों ग्राइंडिंग व्हील आपके रफ वाले हो या दोनों ग्राइंडिंग व्हील आपके फिनिशिंग वाले हो। क्लियर? तो एक रफ होता है और दूसरा आपका फिनिशिंग होता है, और किसके सहारे से जुड़े हुए होते हैं, इसके अंदर एक आपकी स्पिंडल होती है, ठीक है, यानी स्पिंडल के सहारे से एक तरफ आपका रफ व्हील होगा, एक तरफ आपका फाइन व्हील होगा। यूज कहां करते हैं? टूल रूम में करते हैं। क्लियर? ओके। इसके अलावा इसका यूज हम कहां करते हैं? जो आपके छोटे छोटे टूल्स होते हैं ना, अगर आपको छोटे छोटे टूल्स पर ग्राइंडिंग करनी हो तो किसके सहारे से आप ग्राइंडिंग करेंगे? आप करेंगे बेंच ग्राइंडर की सहायता से। और इस पे एक ऑपरेशन और किया जाता है, क्वेश्चन आया हुआ है, ऑफ हैंड ऑपरेशन, ठीक है, लिख लीजिएगा क्या ऑपरेशन का नाम है इसका, ऑफ हैंड ग्राइंडिंग या ऑफ हैंड ऑपरेशन। ऑफ हैंड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? ऑफ हैंड ऑपरेशन का मतलब यह होता है जिसमें आप टूल को पकड़कर ग्राइंडर के पास ले जाते हैं और उस पर ऑपरेशन करते हैं, मगर इस ऑपरेशन में फिनिशिंग को महत्वता नहीं दी जाती। इसमें फिनिशिंग की हम ये कह सकते हैं इसमें शुद्धता जो निर्भर करते हैं वो कारीगर के एक्सपीरियंस पे करती है, ठीक है। तो वो होता है आपका ऑफ हैंड ऑपरेशन या ऑफ हैंड ग्राइंडिंग। क्वेश्चन आया हुआ है कि ऑफ हैंड ग्राइंडिंग किस ग्राइंडिंग मशीन पर करते हैं? किस पे करते हैं? बेंच ग्राइंडिंग मशीन पर करते हैं। क्लियर? ओके, यहां से ये बात आप क्लियर हो गई। दूसरी बात, अगर मैं इसके पार्ट की बात करता हूं तो क्या होगा? सबसे पहले तो आप ये देख पा रहे होंगे यहां लिखा हुआ भी है, देखिए भाई, फाइन ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, और यहां क्या लिखा हुआ आपका? कोर्स ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है। यहां तो ये कोर्स वाला होगा और ये आपका फाइन वाला होगा। तो कोर्स जो होते हैं 8 से 24 होगा, ये 10 से 24 होता है, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील में जो 600 तक था, 200 से 600 तक था जो, वो ये वाला होगा, ठीक है। उसके आप ऊपर आप ये देख पा रहे होंगे ये क्या होते हैं? लाइट आई शील्ड होते हैं, ठीक है, लाइट आई शील्ड होते हैं, यानी इसमें से जो चिंगारी निकलती है वो आपके फेस पर नहीं आएगी। ये क्या होता है? आपका टूल रेस्ट होता है, ठीक है, ये टूल रेस्ट होता है। एक आपने ये देखा एडजस्टिंग नट फॉर टूल रेस्ट, एडजस्टिंग नट फॉर टूल रेस्ट, यानी यहां पे एक नट होता है और नट की सहायता से टूल रेस्ट को हम आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर? ओके। इसके ऊपर आप क्या देख पा रहे हो? यहाँ वाटर पोर्ट भी होती है। यहाँ क्या होती है? वाटर पोर्ट भी होती है, यानी इसमें पानी भरा हुआ होता है। अगर आपकी जॉब ज्यादा हीट हो गई है इसमें तो आप उसे इजीली ठंडा कर लीजिए, ठीक है। तो इतना क्या था, ये हमारा कौन सा था? बेंच ग्राइंडर था। इसके अलावा इसमें से कुछ और पूछा कभी नहीं जाएगा। क्लियर? ओके। कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा अभी, मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा। सर ड्रिल के पॉइंट को शार्प थी ग्राइंडर में करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक विपिन, बिल्कुल ठीक। ओके, नेक्स्ट जो नेक्स्ट आया हमारा, नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा? यहां देखिए, नेक्स्ट आता है हमारा पेडिस्टियल ग्राइंडर, ठीक है, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या नाम है इसका? पेडिस्ट्रियल ग्राइंडर। ओके, पेडिस्टल ग्राइंडर इसका नाम क्यों पड़ा? इसका ग्राइंडर को GW लिख रहा हूं मैं, ग्राइंडर को क्या लिख रहा हूं मैं? GW लिख रहा हूं। पेडिस्टल ग्राइंडर इसका नाम इसलिए पड़ा, आप ये देख पा रहे हैं ये क्या होता है? इसे हम बोलते हैं पेडिस्टल। इसे हम क्या बोलते हैं? पेडिस्टल बोलते हैं। ये कहां यूज होगा? यह भी यूज आपका टूल रूम में ही होता है, ठीक है। क्लियर? मगर इसकी खास बात हमारी क्या है? इसकी खास बात यह था, बेंच ग्राइंडर पे हमारा छोटे छोटे टूल को ग्राइंड कर रहे थे, इस पे हम किसको ग्राइंड करेंगे? इस पे करेंगे जो थोड़े हमारे बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, इस पे हम वो ग्राइंड करेंगे। और इस पे भी हम क्या कर सकते हैं? ऑफ हैंड ग्राइंडिंग कर सकते हैं। क्लियर? इतनी बात आप राइट डाउन कर लीजिए। और जो ये आपकी ग्राइंडिंग जो चल रहे हैं, ये सब ग्राइंडिंग किसके अंतर्गत आते हैं? आपके रफ ग्राइंडिंग मशीन के अंतर्गत आए। क्लियर? पेडिस्टल ग्राइंडर होता है, इसमें भी सब कुछ सेम वही होगा, सेम इसमें वही होगा, ठीक है। ये होगा प्लेन ब्लेड ग्राइंडिंग अटैचमेंट, ये ग्राइंडिंग अटैचमेंट होगा, ये व्हील गार्ड होता है, ये एडजस्टेबल स्पार्क डिफ्लेक्टर होता है, ये आपका मोटर लगा होता है, और ये जो होता है आपका ये ग्राइंडिंग व्हील होता है, वाटर ये पोर्ट होता है, एडजस्टेबल टूल रेस्ट होता है। तो ये सारी चीजें क्या होती है इसकी? सेम ऐसे ही होती है। क्लियर? ओके, ठीक है। और इसके बाद इसका जो ज्यादातर यूज कहां करते हैं? ज्यादातर ये कहां मिलेगा आपको? वेल्डिंग शॉप में मिलता है, वेल्डिंग शॉप में मिलता है, या ये आपका फोर्जिंग शॉप में भी मिल सकता है, या जो आपके ब्लैक स्मिथी वाले जो शॉप होती है वहां भी ये इजी तरीके से मिल सकता है आपको देखने के लिए। काम वही करता है। क्लियर? उसके बाद जो हम नेक्स्ट ग्राइंडर की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट ग्राइंडर आपको देखने को मिलेगा, एक मिनट, तो ये दो ग्राइंडर मैंने आपको कर दिया, ठीक है। ये देखिए जो नेक्स्ट ग्राइंडर आपको मिला, ये कौन सा है आपका? ये इस ग्राइंडर का नाम है आपका पोर्टेबल ग्राइंडर, ठीक है। नाम लिख लीजिए, पोर्टेबल ग्राइंडर, ठीक है, पोर्टेबल ग्राइंडिंग
जी पोर्टेबल गारंटी ओके। दूसरों से कैसे पिन है, दूसरों से ये ऐसे पिन है, क्यों? क्योंकि इसमें जो ग्राइंडिंग व्हील होगा वो केवल एक ही होगा। क्लियर? सबसे पहले तो आपको ये इसका यूज ये पता होना चाहिए। ओके, कहां करते हैं यूज? तो इसका यूज ज्यादातर वहां करते हैं जो आपके बड़े बड़े पार्ट होते हैं ना, अगर उन पार्टों को आप मशीन पे नहीं ले जा सकते, छोटे छोटे पार्ट हो गए तो उन्हें तो आप बेंच ग्राइंडर पे यूज कर लेंगे, ग्राइंडिंग कर लेंगे, मगर अगर कोई पार्ट आपका बहुत बड़ा हुआ तो वो तो आप ग्राइंडर पे उठा के नहीं ला सकते ना। तो ऐसी स्थिति में कुछ ग्राइंडर हमारे छोटे होते हैं जिन्हें हम कहां ले जाते हैं, जिन्हें हम वर्क पीस के पास ले जाते हैं, और जहां वर्क पीस पे हमें ग्राइंडिंग करनी होती है इजी तरीके से हम वहां इसकी सहायता से ग्राइंड कर सकते हैं। और ये किससे चलते हैं? ये आपके बिजली से चलते हैं, ठीक है? ये किससे चलते हैं? ये चलते सारे बिजली से ही। आपके यहां एक ऐसा पीछे इस पर लगा हुआ होता, ठीक है? तीन ग्राइंडर आपके मैंने कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट ग्राइंडर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट, इस ग्राइंडर का क्या नाम है? इस ग्राइंडर का नाम है हमारा सैंड बेल्ट ग्राइंडर, ठीक है? सैंड बेल्ट ग्राइंडर को GW लिख रहा हूं मैं, ग्राइंडर को क्या लिख रहा हूं मैं? GW लिख रहा हूं, ठीक है? इसका यूज कहां करते हैं? यूज सुन लीजिए, जो आपके टेढ़ी मेढ़ी वाली सतह होती है, जो टेढ़ी मेढ़ी आकार वाली जो जॉब होती है उनका यूज करते हैं। और इसके अलावा जो आपकी पीतल की जो टोटियां होती है, टोटियां, पीतल की टोटियों को अगर मुझे ग्राइंड करना हो तो किस पे करता हूं मैं? सैंड बेंड ग्राइंडर पे करता हूं। या अगर कोई पदार्थ आपका नरम है, सॉफ्ट है, तो अगर उसकी मुझे ग्राइंडिंग करनी हो तो कहां यूज करूंगा मैं? सैंड बेंड ग्राइंडर पे यूज करूंगा, ठीक है? इमेजेस देख लीजिए, इसके डायग्राम देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन आपको या इसका प्रोसेस होगा काम करने का वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। क्लियर? यहां देखिए फटाफट से, ये क्या होता है? ये आपका मोटर होता है, मोटर यानी मोटर होगा, मोटर के साथ आप देख पा रहे हैं ये वाली, ये एक ये पुली होती है, ये क्या होती है? एक तरह की पुली होती है, और दूसरी पुली हमारी यहां होती है, दूसरी पुली हमारी यहां होती है, तीसरी पुली हमारी यहां होती है। तो जब मोटर ये चलता है तो ये पुली घूमती है, तो इस पे ये जो बेल्ट देख रहे हैं आप, ये वाली जो बेल्ट है, ये जो बेल्ट है ये क्या करती है? हमारी रोटेट करती है, और जब ये बेल्ट रोटेट करेगी तो जो ये हमारी ये वाली दोनों पुलियां थी, ये ऑटोमेटिकली बेल्ट जब चलेगी तो बेल्ट की सहायता से ये पुली हमारी रोटेट करती रहेगी। क्लियर? सपोज कीजिए मुझे अगर यही मेरा पार्ट था, अगर मुझे इसी की ग्राइंडिंग करनी थी, तो इस पार्ट को मैं इस जो बेल्ट पे जब चलेगी तो आगे पीछे इसकी सहायता से मैं मूव कर दूंगा। किस पे? अगर ये मेरा नरम पदार्थ है, नरम पदार्थ का मटेरियल है ये मेरा, या मैं कह सकता हूं ये मेरा सॉफ्ट जॉब है आपकी, ओके? अगर ये पट्टा ऐसे ऐसे घूम रहा है तो इस सॉफ्ट जॉब को इसके ऊपर ले जाऊंगा और मैं आगे पीछे करूंगा तो ये मेरा मटेरियल रिमूव हो जाएगा। क्लियर? तो ये कौन से थे आपके? ये थे आपके रफ ग्राइंडर, ठीक है? तो यहां से आपको इतना चीज क्लियर हो जानी चाहिए, ओके? तो रफ ग्राइंडर जो थे उसमें इतने पार्ट आपके आते हैं जो कि यार इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब बढ़ेंगे कौन सा? प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन, ओके? अगर मशीन को मैं MACH लिख रहा हूं, ठीक है, सबसे पहले प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन कहां यूज होंगे ये देख लीजिए। आपने देखा होगा कि अगर मुझे किसी वर्कपीस के ऊपर शुद्धता में अगर फिनिशिंग चाहिए होती है तो मैं किसका, कौन सी ग्राइंडिंग मशीन का यूज करता हूं? प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन का यूज करता हूं। और एक कितनी एक्यूरेसी में मुझे मेटल को रिमूव करके देती है? सेम जितनी आपकी माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट होती है, 0.01 mm या 0.001 इंचेस, यानी इतनी एक्यूरेसी में ये मुझे मेटल को रिमूव करके, या मेटल को रिमूव कर करेंगी, या इतनी एक्यूरेसी में जॉब को ये फिनिश कर देंगे। क्लियर? ओके। आपने सुना होगा कि बहुत कोई, अगर कोई स्टील की जॉब है तो उसे हार्डन टेम्पर करने के बाद उसे ग्राइंड कर देते हैं, ठीक है? तो जो जॉब को हार्डन टेम्पर करने के बाद ग्राइंड करते हैं ना, तो ग्राइंड किस पे करते हैं? इन्हीं ग्राइंडिंग मशीन पे करते हैं, प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन पे ही करते हैं। क्लियर? अब इसके भी बहुत सारे, जो इसके अंदर भी, जो जैसे अभी हमने जो ये हमारा रफ ग्राइंडिंग मशीन थी, चार मशीन मैंने आपको बताई, चार ग्राइंडिंग मशीन मैंने बताई, प्रिसीजन ग्राइंडिंग मशीन के अंतर्गत भी ऐसी ही मशीनें आती है, तो चलिए अब उन्हें डिस्कस करते हैं। क्लियर? ओके। तो सबसे पहली जो उसमें आपकी मशीन आती है, सबसे पहली जो उसमें मशीन आती है वो कौन सी आती है? आपकी सरफेस ग्राइंडिंग, ठीक है? देख लीजिए सरफेस ग्राइंडिंग मशीन होती कैसी है, ठीक है? यहां देखिए फटाफट से, यहां देखिए आपकी स्क्रीन पर एक इमेजेस दिख रही होगी। सरफेस ग्राइंडिंग, सर ड्रिल के पॉइंट को शार्प करेंगे, ड्रिल के पॉइंट को। गुड इवनिंग विपिन, गुड इवनिंग, ठीक है? टाइप्स ऑफ ग्राइंडर से बता दीजिए हिमांशु। ओके,
ठीक है, करण करण उत्पाद पे ध्यान मत दो। ओके, तो ये कौन सी आपकी, ये है आपकी सरफेस ग्राइंडिंग, ये कौन सी है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन। ओके, ध्यान सुनेगा मेरी बात, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन पे, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन पे आपके जो फ्लैट जॉब होती है ना, जो जिनकी ऊपरी सतह समतल होती है, अगर मुझे उनके ऊपर से मटेरियल को हटाना होता है ना, तो वो मैं इस टेबल पे रखता हूं, यानी ये वाली इस टेबल पर, क्लियर। तो जो मेरे बेंच ग्राइंडर थे या मेरे सैंड बेंच ग्राइंडर था, तो जिन जॉब की आकृति टेढ़ी मेढ़ी होगी उन्हें तो मैं वहां यूज करूंगा, मगर अगर मेरा कोई जो फ्लैट है जिसकी ऊपरी सतह जो होगी वो समतल होगी, अगर उसके ऊपर से मुझे मटेरियल को हटाना हो, तो वो मटेरियल मेरा किस मशीन पर हटेगा, सरफेस ग्राइंडिंग मशीन पर हटेगा, क्लियर। तो पहली बात हमें यहां ये जानने को मिल गई कि सरफेस ग्राइंडिंग मशीन के में से जो जो जिन जॉबों की सरफेस हमारी फ्लैट होती है, केवल उनको ही मटेरियल रिमूव होता है, क्लियर। ये क्या होती है हमारी, ये पूरी हमारी टेबल होती है, ठीक है, क्लियर। और जो उसमें ग्राइंडिंग व्हील कहां होता है हमारा, ग्राइंडिंग व्हील इसमें हमारा यहां होता है, और ये रोटेट होता रहता है, ये क्या होता रहता है, रोटेट होता रहता है। और जो एक टेबल है आपकी, टेबल क्या होती है आपकी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता रहता है, टेबल आपकी आगे पीछे रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती रहती है, ठीक है। अभी इमेजेस दिखाऊंगा, समझ में आ जाए, क्लियर। और जो आपका जॉब जो फिक्स होगा वो कहां होगा, ध्यान सुनेगा, यहां देखिए, तो जो आपका जॉब फिक्स होगा वो इस टेबल पर होगा, ठीक है, किससे होगा, या तो वो आपका क्लैंप से होगा, या आप उसे नट बोल्ट की सहायता से भी टाइट कर सकते हैं, या जैसी आपके पास सुविधा होगी, क्लियर। ओके, तो बस मैं आपको यही बता रहा हूं कि इस मशीन में जो कटिंग वाला पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, ये घूमता हुआ ग्राइंडर, ठीक है, ये घूमता हुआ ग्राइंडर होगा। और ये भी सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है, इसकी एक इमेज देख लीजिए, इसकी एक इमेज देख लीजिए, फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहां देखिए फटाफट से, आपने जो ये सरफेस ग्राइंडिंग मशीन थी, ये आपने देखा कंस्ट्रक्शन, मैंने इसका आपको बता दिया, ठीक है, फटाफट से ये देखिए भाई, फटाफट से आपको दिखा, ये मैंने क्या कर दिया था, ये मैंने जूम कर दिया, ये मैंने जो कटिंग वाला पार्ट था, जो कटिंग वाला पार्ट था, ये मैंने हल्का सा जूम कर दिया, ठीक है। क्या ये मेरी टेबल थी, हाँ जी टेबल थी। क्या ये मेरा ग्राइंडिंग पार्ट, या क्या ये मेरा ग्राइंडिंग वाला पार्ट है, हाँ जी है, ठीक है, ग्राइंडिंग वाला पार्ट है, ओके, ठीक है। तो ये ग्राइंडिंग वाला पार्ट जो होता है, ये रोटेट करता है, यानी ये रोटेशन होती रहती है इसकी, क्लॉकवाइज की रोटेशन होती रहती है। और जो ये हमारी टेबल है, ये क्या करती है, हमारी रेसिप्रोकेटिंग मोशन करती है, ओके। और ये क्या है हमारी, ये वाली चीज क्या है हमारी, ये जॉब है हमारी, ठीक है। तो ये मेटल को ऐसे रिमूव कर देगी, क्लियर। और आप यहां देख पा रहे होंगे, ये इस जॉब की अगर मैं आकृति देखूं, तो इस जॉब की आकृति कैसी है, मेरी फ्लैट है, ठीक है, कैसी है, फ्लैट है इसकी जॉब की आकृति, क्लियर हो गया ना मेरी बात, नहीं, ओके, ठीक है। तो सरफेस ग्राइंडिंग में से हमें इतना जानने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ हमारी सरफेस ग्राइंडिंग मशीन होती है, जो कि अभी मैं बताऊंगा, क्लियर, ओके। तो सरफेस ग्राइंडिंग मशीन का जो वर्गीकरण किया गया ना, जो वर्गीकरण किया गया वो दो बातों पर किया गया, पहला उसकी टेबल का रेसिप्रोकेटिंग मोशन, यानी टेबल का मूवमेंट कैसा है, रेसिप्रोकेटिंग है या फिक्स है या सर्कुलर है, ठीक है। और दूसरा होता है उसकी स्पिंडल का कैसी है, यानी अगर आप यहां देखेंगे, अगर मैं इस वाली मशीन में आपको दिखाऊं, यहां देखो फटाफट से सभी स्टूडेंट सामने देखो, तो इसका स्पीड मोटर है, मोटर के यहां कोई स्पिंडल होगा या नहीं होगा, मोटर के स्पिंडल होगा या नहीं होगा, तो स्पिंडल क्या होगा, मेरा हॉरिजॉन्टल है या मेरा स्पिंडल क्या है, वर्टिकल है, ठीक है। तो सरफेस जो ग्राइंडिंग मशीन है आपकी, उनका वर्गीकरण किन बातों पर आधार पर किया गया, पहला टेबल के आधार पर, दूसरा स्पिंडल के आधार पर, क्लियर, ठीक है। तो अब मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन कौन कौन सी हमारी होती हैं, ध्यान समझेगा, पॉइंट वाइज आपको मैं बताता चलूंगा, ठीक है। पहली खुली आपकी स्क्रीन पर, यहां देखिए फटाफट से, पहली आपकी स्क्रीन पर इमेजेस खुल चुकी है, एक मिनट रुकिएगा, सबसे ये चौथी है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहां देखिए भाई, ये आपको दिख ही रहा होगा ऐसा, वरना बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। नाम क्या है इसका, इसका नाम देखो, नाम क्या लिखा है, इसका नाम लिखा है हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, ठीक है। स्पिंडल कहां है मेरा, स्पिंडल मेरा ये रहा, यानी व्हील का स्पिंडल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग टेबल सरफेस ग्राइंडर। तो इस पूरी मशीन का नाम क्या है मेरा, जो सरफेस मशीनिंग के अंतर्गत आती है,
हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, यानी इस मशीन का स्पिंडल कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, और टेबल कैसी कर रही है आपका मोशन, रेसिप्रोकेटिंग कर रही है, यानी टेबल आप देख पा रहे होंगे यहां एरो भी बना हुआ है, ठीक है, आगे पीछे या दाएं बाएं। तो जिस मशीन का स्पिंडल हॉरिजॉन्टल हो और टेबल उसकी आगे पीछे मूव करे तो उस मशीन का नाम क्या होगा, या उस सरफेस ग्राइंडर का नाम क्या होगा, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रेसिप्रोकेटिंग सरफेस ग्राइंडर। मैंने आपको पहले बताया था कि सरफेस ग्राइंडर का जो वर्गीकरण है किसके हिसाब से किया गया था, स्पिंडल की कंडीशन के हिसाब से और टेबल के मूवमेंट के अनुसार। क्लियर, ठीक है। अभी अगर आपको यह समझ में नहीं आया तो दूसरी इमेजेस के थ्रू समझ लीजिएगा, इसमें भाई सारी चीजें वही लिखी हुई है। ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है, ये क्या है आपका, ये वर्क पीस है, यहां भी देख लीजिए वर्क पीस कैसा है, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है, ओके। ये टेबल है आपकी और एरो देख रहे हैं, टेबल आगे पीछे मूव कर रही है, ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, ओके, क्लियर। दूसरी इमेज देखिए, दूसरी इमेज क्या कहती है हमारी, फटाफट से देखिए हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रोटरी टेबल। दूसरी इमेजेस क्या है हमारी, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल, यानी स्पिंडल इसमें भी हॉरिजॉन्टल होगा, हाजी होगा, क्या ये आपका स्पिंडल है, व्हील स्पिंडल कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल है। अरे भाई हॉरिजॉन्टल ऐसा होता है और वर्टिकल कैसा होता है, वर्टिकल आपका ऐसा होता है, क्लियर, इतनी बात क्लियर, ठीक है। तो स्पिंडल कैसा है, हॉरिजॉन्टल है, हाजी हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रोटरी टेबल, यानी इसकी जो ये वाली टेबल है ना, ये वाली टेबल उसमें क्या टेबल थी आपकी, फ्लैट थी, आगे पीछे हो रही थी, मगर इसमें टेबल कैसी है जिसके ऊपर वर्कपीस रखेंगे हम ग्राइंडिंग करने के लिए, घुमावदार होगी, क्लियर ना मेरी बात, ठीक है। तो पूछ रहा है, देखो भाई कह रहा है वर्क टेबल रोटरी पेरिफेरी ऑफ व्हील, यानी इसमें जो आपकी जो टेबल का मूवमेंट होगा वो कैसा होगा आपका, रोटरी होगा, क्लियर। तो नाम से ही संबोधित हो रहा है, हॉरिजॉन्टल स्पिंडल रोटरी टेबल, सेम काम इसका वही होता है, क्लियर। दूसरी बढ़ता है, दूसरा सरफेस ग्राइंडर में जो आपका जो पार्ट आता है, वो कौन सा आता है, थर्ड पार्ट सरफेस ग्राइंडर में कौन सा आता है, ध्यान सुन लो, वर्टिकल स्पिंडल। अब कैसा है वर्टिकल स्पिंडल, अरे भाई क्या वर्टिकल स्पिंडल वर्टिकल हो गया क्या, क्या आप स्पिंडल वर्टिकल हो गया क्या, हाँ सर हो गया, मजा आ गया, बिल्कुल मजा आ गया, विद रेसिप्रोकेटिंग टेबल, यानी टेबल क्या कर रही है इस बार आपकी, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रही है। दोनों कंडीशन में क्या था आपका, स्पिंडल कैसा था, हॉरिजॉन्टल था, मगर इस बार स्पिंडल कैसा आ गया आपका, वर्टिकल आ गया, काम बिल्कुल सेम वैसा ही होगा, क्लियर। ये क्या है आपके, ये चीज है आपकी ग्राइंडिंग व्हील, और जो ये लगे हुए हैं ये क्या है आपके, ये है आपके क्या, वर्क पीसेस, और ये आपकी नीचे वाली जो थी ये क्या है, ये आपकी वर्किंग टेबल, क्लियर। तीन क्लियर हो गए आपको, तीन क्लियर हो गए क्या, हाँ जी सर हो गए, मजा आ गया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी हमारी, वर्टिकल स्पिंडल, नेक्स्ट कौन सी, ध्यान सुनिए, वर्टिकल स्पिंडल रोटरी टेबल, ठीक है, वर्टिकली स्पिंडल रोटरी टेबल, यानी स्पिंडल कैसा है आपका, जिसपे हमारा ग्राइंडिंग व्हील फिट है, इस पे है हमारा व्हील स्पिंडल वर्टिकली है, और जो टेबल है आपकी कैसी कर रही है, रोटरी मोशन कर रही है, क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो जैसे स्पिंडल की, स्पिंडल का फिक्स स्पिंडल आपका होगा, और जैसे आपके टेबल की मूवमेंट होगी उसी के हिसाब से आपका हमारा ग्राइंडिंग व्हील का नाम पड़ा है, क्लियर। इतनी बातें समझ में आ गई क्या, इतनी बातें समझ में आ गई हो तो फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दीजिए। अगर सभी स्टूडेंट्स को इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो जल्दी से मुझे यस लिख के भेज दीजिए। फिर मैं बहुत इंपॉर्टेंट मशीन चलाता हूं आपकी, कौन सी, सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन। जल्दी बता दीजिए भाई, ओके, ये देखिए फटाफट, ओके, सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में यस लिख के भेज दो भाई, जल्दी से यस लिख के भेज दो। सर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हमेशा, करण सिंह, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में हमेशा कंफ्यूज होते हैं सर। भाई देखो ये क्या है, ये चीज सपोज करो, देखो
ये आपकी क्या है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये वर्किंग सरफेस है, ठीक है। अगर ये पेन ऐसे पड़ा है ऐसे, तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। और अगर ये ऐसे खड़ा हो गया, ये ऐसे खड़ा हो गया, तो ये क्या हो गया, वर्टिकल हो गया। सपोज कीजिए जो मेरी, जहां मैं खड़ा हूं फर्श है, ये मेरी क्या रेफरेंस सतह है, ठीक है। रेफरेंस सतह से मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हुआ हूं, तो मैं कैसा हूं, रेफरेंस सतह के वर्टिकल हूं। अगर मैं फर्श पे लेट जाऊंगा तो वो कैसा होगा, वो पोजिशन होगी मेरी हॉरिजॉन्टल वाली, क्लियर, ठीक है भाई। जिसने पूछा था सर सेंटर लेस बताओ, सर जी सेंटर लेस में क्या बताना है भाई राकेश, अच्छा सेंटर लेस बताते हैं, ठीक है। यस यस सचिन अंबेडकर खत्री, सेंटर लेस बताओ सर जी, सेंटर लेस बताते हैं, यस 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 यस, ठीक है। हिमांशु, हिमांशु सर ओके क्लियर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आते हैं सेंटरलेस ग्राइंडर में से आते हैं, ठीक है। सेंटरलेस ग्राइंडर हमें दो तरह के होते हैं, इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडर और एक्सटर्नल सेंटरलेस ग्राइंडर, ठीक है। दोनों को बिल्कुल डिटेल में जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्लियर ओके। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि जो हमारी सेंटरलेस मशीन होती है, हमारी सेंटरलेस मशीन होती है या सेंटरलेस ग्राइंडर से कहते हैं, इसे सेंटरलेस ग्राइंडर कहते क्यों है, इसका रीजन क्या है कि इसका नाम सेंटरलेस ग्राइंडर पड़ा, ठीक है। नाम से ही संबोधित होता है आपको, क्या सेंटरलेस यानी सेंटरलेस, इसमें सेंटरलेस ग्राइंडर का मतलब यह होता है इसमें आप जो किन्हीं दो सेंटर के बीच नहीं पकड़ेंगे, क्या बोला मैंने, रिपीट कर रहा हूं, इसमें आप जो दो सेंटर के बीच में नहीं पकड़ेंगे। अब बहुत से स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा सर ऐसे कैसे, तो ध्यान सुनिए, अगर मुझे कोई शाफ्ट है मुझे उस पर टर्निंग करनी हो, तो मैं क्या लेथ मशीन पे एक सिरा हेड स्ट्रोक के एक सिरा टेलीस्टोक पे, तो क्या उन दोनों को सपोर्ट मिल गया, क्या हाँ जी मिल गया, क्लियर, ठीक है। तो ना मैं इसमें लाइव सेंटर में जॉब को पकड़ूंगा, ना मैं डेड सेंटर में जॉब को पकड़ूंगा, या अगर मुझे किसी वर्क किसी में कोई मेरी छोटी जॉब है, अगर मुझे उसकी टर्निंग करनी है या पार्टिंग करनी है, तो लेथ मशीन के चक में बांधता हूं, तो वहां भी मेरी जॉब होल्ड हो गई। मगर सेंटरलेस ग्राइंडर में जो जॉब होगी ना हमारी, वो किसी भी सेंटर के बीच में नहीं पकड़ी जाएगी, तो इसी के आधार पर हमारा नाम पड़ा सेंटरलेस ग्राइंडर, क्लियर, ठीक है। अगर इसमें जो दो सेंटर के बीच नहीं पकड़ी जाएगी, तो फिर कहां पकड़ी जाएगी, तो जो आपकी पकड़ जाएगी दो ग्राइंडर व्हील के बीच में, एक होता है आपका ग्राइंडर व्हील और दूसरा होता है आपका रेगुलेटिंग व्हील, ठीक है, जिसे हम फीड व्हील भी कहते हैं, क्लियर। तो कुछ ग्राइंडिंग जो आपकी सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है, ठीक है ओके। तो जो मैं दो व्हील बता रहा था आपको, ध्यान से देखो, एक व्हील आपका ये वाला है और दूसरा व्हील आपका ये वाला है, ठीक है ओके क्लियर। अगर यही मेरी जॉब है, यही मेरी जॉब है, तो ये जॉब मेरी कहां जाएगी, इनके बीच में, यानी जो आपकी ये वाली जगह है ना स्टूडेंट्स, जो आपकी ये वाली जगह, ये वाली, इनके बीच में मेरी जॉब ऐसी रखी जाए, क्लियर ठीक है। तो जो मैंने बताया था कि जॉब आपकी दो व्हील के बीच में रखी जाएगी, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। मगर जो इसका मेन पॉइंट है ध्यान से सुन लो फटाफट से, जो आपकी रफ ग्राइंडिंग मशीन थी उसमें क्या था, उसमें कौन सी जॉब आप ग्राइंड कर रहे थे, जो आपकी टेढ़ी मेढ़ी थी, ठीक है क्लियर। जो आपकी सरफेस ग्राइंडिंग वाली आई, उसमें कौन सी जॉब को आप ग्राइंड कर रहे थे, जिनकी सरफेस हमारी फ्लैट थी, क्लियर। मगर सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन में हम उन जॉब को ग्राइंड करेंगे या उन जॉब से एक्स्ट्रा मटेरियल को हटाएंगे, जिनका क्या हो, जिनका हमारा जो सिरा होता है, आउटर सरफेस या इनर सरफेस कैसी हो, राउंड हो, क्लियर, राउंड हो, यानी सिलेंड्रिकल शेप में हो, क्लियर मेरी बात। तो सबसे पहले आपको यही बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि सेंटरलेस ग्राइंडिंग पे उन जॉबों की हम ग्राइंडिंग करते हैं जिनका क्रॉस सेक्शन कैसा हो, सिलेंड्रिकल हो, जैसे आपकी स्लीव हो गई, बुश हो गई या पिन हो गई, क्लियर मेरी बात, ठीक है ओके। तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर जो ये मेरा इतना पार्ट था, क्या मैं इसे जूम कर दूं, हाँ जी सर जी, इसे जूम कर दीजिए, ठीक है, जूम कर देता हूं, चिंता मत करो भी ओके भाई। देखिए जो मेरा ये इतना पार्ट था ना, इतना पार्ट यानी एक ये वाला और एक आपका ये वाला, जिसपे आपकी जॉब जाके ऐसे टिकेगी, ठीक है। तो इतने पार्ट को मैं जूम कर रहा हूं, यहां देखो फटाफट से, क्या ये मेरा जूम हो गया, हाँ जी हो गया, ठीक है। मैं कौन सी मशीन पढ़ा रहा हूं आपको, पहले एक्सटर्नल, कौन सी पढ़ा रहा हूं, एक्सटर्नल ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है, कौन सी पढ़ा रहा हूं, एक्सटर्नल ग्राइंडिंग मशीन, ठीक है, इन इंटरनल सेंटर में वर्कपीस सपोर्टेड बाय थ्री रोल्स, ठीक है, एक्सटर्नल ग्राइंडिंग मशीन पढ़ा रहा हूं मैं ओके
ठीक है, यानी अगर किसी वर्कपीस के पे, अगर किसी वर्कपीस पे गोल वर्कपीस हो, उसकी बाहरी सतह को अगर मुझे ग्राइंड करना हो तो मैं कैसे करूंगा, अभी इमेज भी दिखाऊंगा, चिंता मत करो। ठीक है, ये क्या था मेरा, ये मेरा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन कौन से आते हैं, सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। खोखला जॉब, खोखला जॉब हॉरिजॉन्टल मतलब है, ठीक है, सेंटरलेस ही बता रहा हूं, ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये जान लीजिए, सेंटरलेस है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ये कौन सी है मेरी, अगर मुझे किसी, देखिए ये क्या है मेरी, ये पिन है, ये मेरी कैसी है, गोल जॉब है मेरी है नहीं है, ये मेरी क्या गोल जॉब है स्टूडेंट्स, ये मेरी क्या गोल जॉब है, ये मेरी क्या गोल जॉब है, हाँ जी है, यहाँ जी है। क्रॉस सेक्शन कैसा है इसका, राउंड है। अगर इसी का डायामीटर मुझे कम करना है तो किस मशीन पे ले जाऊंगा मैं इसे, सेंट्रल लेस ग्राइंडिंग मशीन पे इसे ले जाऊंगा। क्लियर मेरी बात, ठीक है। सेंट्रल लेस में किस मशीन पर, एक्सटर्नल सेंट्रल लेस ग्राइंडर मशीन पर, क्लियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है इसमें कि सेंट्रल लेस ग्राइंडिंग मशीन में आपके कितने ग्राइंडिंग व्हील या कितने व्हील होते हैं, तो कितने व्हील होते हैं, दो व्हील होते हैं, क्लियर, ठीक है। जान लीजिए कहां कहां होंगे, ठीक है, जान लीजिए कहां कहां होंगे। क्या आपको ये पहला वाला व्हील दिखा, क्या सर जी दिख गया, तो ये कौन सा होता है आपका, पहला व्हील होता है जिसे हम क्या जी नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ग्राइंडिंग व्हील, ठीक है, यानी ग्राइंडिंग व्हील, क्लियर मेरी बात, ठीक है। तो दूसरा व्हील होगा, दूसरा व्हील कौन सा होता है हमारा, ये वाला होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आर से, यानी रेगुलेटिंग व्हील, ठीक है, या हम इसे फीड व्हील भी बोल सकते हैं, क्लियर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, सेंट्रलेस ग्राइंडिंग में कितने व्हील होते हैं आपके, दो व्हील होते हैं, क्लियर, ओके, ठीक है। ग्राइंडिंग व्हील क्या करता है, आपके गोल जॉब के ऊपर जो हमारा डायमीटर को अगर कम करना हो, कटिंग का काम करेगा। जो रेगुलेटिंग व्हील होता है ये क्या काम करता है, अरे भाई जब आपने दो जॉब के, दो ग्राइंडर के बीच में या दो व्हील के बीच में जब आपने ये वाली पिन डाली, तो अगर ये वाला व्हील नहीं होगा तो क्या ये जॉब मेरी नीचे गिर जाएगी या नहीं गिर जाएगी, हाँ जी सर जी गिर जाएगी। तो रेगुलेटिंग व्हील मतलब क्या काम करता है, वर्क पीस को सपोर्ट करता है, क्लियर, लिख लीजिए फटाफट से लिख लीजिए, सपोर्ट करता है, क्लियर, ओके, ठीक है। क्या आपको यहां से इतनी चीज, एक चीज ये दिख रही है क्या, एक चीज कुछ ऐसी आपको ये दिख रही है क्या, ये चीज यानी जिसपे आपका वर्क पीस जाके टिकता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलता हूं मैं, या तो मैं इसे टूल रेस्ट बोल दू, या तो मैं इसे टूल रेस्ट बोल सकता हूं, या मैं इसे क्या बोल सकता हूं, ब्लेड बोल सकता हूं, क्लियर ना मेरी बात, ब्लेड यानी बी से मेरा क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, ब्लेड, जी से मेरा ग्राइंडिंग व्हील, और आर से मेरा क्या हो रहा है, रेगुलेटिंग व्हील, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है सर जी, मजा आ गया, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें पता पड़ गई कि कटिंग कौन करता है, ग्राइंडिंग व्हील, रेगुलेटिंग व्हील क्या काम करता है, जॉब को हमारा क्या करता है, सपोर्ट करता है। अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो पिन आपकी या स्लेंटी का रोड आपकी नीचे गिर जाए, क्लियर। और जो ये होता है आपका टूल रेस्ट या ब्लेड, ये क्या करता है, जॉब को होल्ड कर रखता है, क्लियर, ओके, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, हाँ जी समझ में आ गई, ओके। तीसरा, दूसरा क्वेश्चन इसमें कैसा आता है, यानी पहला तो ये आएगा कितने सर्किल होते हैं, काम क्या करता है, तीसरा क्वेश्चन कैसा आता है, इनकी मूवमेंट कैसी होती है। बहुत सी बुकों में आंसर एक गलत लिखा हुआ है, ध्यान सुन लीजिए। अगर आपकी यानी क्वेश्चन इसमें बहुत सी बुकों में यह लिखा हुआ है कि सेंटर लेस ग्राइंडिंग में दोनों व्हील की जो पोजीशन होगी वो एक दिशा में ही रोटेट करेंगे, यानी दोनों व्हील में लिख दूं क्या, यानी दोनों व्हील एक दिशा में रोटेट करेंगे, हाजी करेंगे, एक दिशा में रोटेट करेंगे, ओके। ये स्टूडेंट रट लेते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, ठीक है। आपको ऐसे याद नहीं करना, अगर सिंपल लैंग्वेज में याद करना चाहते हैं तो ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए, जब भी कभी दो ग्राइंडिंग व्हील या मैं ये कह सकता हूं आपको, अगर इसकी जो ये सिलेंडिकल रोड थी, अगर इसकी दिशा कैसी है मेरी, एंटी क्लॉकवाइज, अगर इसकी दिशा मेरी एंटी क्लॉकवाइज है, तो मेरे दोनों व्हील की जो दोनों व्हील की मेरी कंडीशन होगी, या दोनों व्हील की जो मेरी रोटेशन होगी, वो कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी, क्लियर। तो इसमें आपको ऐसा याद रखना है कि वर्क पीस जैसी कंडीशन में घूम रहा हो, ग्राइंडिंग व्हील ठीक उसके
उल्टी पोजीशन में घूमेंगे। क्लियर? वो क्वेश्चन घुमा सकता है अगर वो ये कहे आपसे कि वर्कपीस आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर वर्कपीस आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है तो बताइए एक्सटर्नल सिलेंडर ग्राइंडिंग व्हील में जो दो ग्राइंडिंग व्हील थे उनकी पोजीशन क्या होगी, तो आप क्या लगाएंगे वहां, इसके ठीक विपरीत लगाएंगे, यानी क्या लगाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लियर ना मेरी बात? ओके, क्वेश्चन ये आ सकता है घूम के। क्लियर? एग्जाम थोड़ा शार्प माइंड का हुआ, ठीक है, तो ये पूछ सकता है क्योंकि बुकों में तो बस यही लिखा है कि इन दोनों जो ये व्हील होंगे कि घूमने की दिशा क्या होगी, एक जैसी ही होगी। ओके, अगर दोनों की घूमने की एक दिशा है तो आपकी जो ये पिन है ये कैसा रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज करेगा। क्लियर? ओके, तो ये तो आपने रट लिया, मगर अगर उसने क्वेश्चन घुमा दिया कि अगर आपकी जो ये पिन है कैसी रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है, मगर आपने तो एंटी क्लॉकवाइज ही पढ़ा है ना, तो क्वेश्चन हल्का सा घूम गया, नहीं घुमा, तो क्वेश्चन आपका यहीं से यही बनेगा कि अगर आपकी वर्कपीस की कैसी भी कंडीशन में घूम रहा हो, चाहे क्लॉकवाइज घूम रहा हो या एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहा हो, दोनों व्हील उसके हमेशा विपरीत घूमेंगे। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तीन क्वेश्चन यहां क्लियर हो गए। ओके, ठीक है, तो जो आपका ये ग्राइंडिंग व्हील होता है ये हमारा किस पे करता है, जो आपकी नॉर्मल स्पीड पर रन करता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, नॉर्मल स्पीड पर रन करेगा। रेगुलेटिंग व्हील क्या होता है, थोड़ी हमारी कम स्पीड पर रन करता है। क्लियर? किसके मुकाबले? नॉर्मल ग्राइंडिंग व्हील के मुकाबले। क्लियर? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आया, इसकी स्पीड कितनी होती है, 15 से 60 मीटर प्रति मिनट होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है क्लियर, नॉर्मल ग्राइंडिंग व्हील होती है इसकी स्पीड कितनी होती है, 1500 से 1800 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो ये आपका छोटा व्हील होता है जिसे मैं रेगुलेटिंग व्हील कहता हूं, ये कैसा होता है, हल्का सा झुकावा होता है, यानी हल्का सा बेंड होता है, कितने डिग्री पर, 8 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 8 डिग्री पर। क्लियर? यही आपको बात क्लियर हो गई। ओके, या वो आपसे ये भी इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है, सपोज कीजिए ये आपकी कोई भी जॉब थी, ये कोई भी जॉब थी, ठीक है, इसके राइट तरफ, इसके राइट तरफ कौन सा व्हील होगा आपका, तो आप क्या बोलेंगे, ग्राइंडिंग व्हील, और इसके लेफ्ट तरफ कौन सा होगा आपके, रेगुलेटिंग व्हील। या वो यही बोल सकता है कि जॉब के बाएं तरफ या दाएं तरफ जो बड़ा डाया होगा वो व्हील का नाम क्या होता है आपका, ग्राइंडिंग व्हील। क्लियर होगी इतनी बात? ठीक है, यहां से इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस टूल ब्लेड की, ठीक है। ओके, यहां देखो फटाफट से, यहां देखो एक इमेज दिखाता हूं मैं अभी आपको, यहां से आपको सब क्लियर हो जाएगा। इमेजेस, ये है क्या, है तो कुछ ऐसी ही भाई। ठीक है, यहां देखो फटाफट से, यहां देखना भाई, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, दो ग्राइंडिंग व्हील हो गए, पहला क्या था, ग्राइंडिंग व्हील, पहला कौन सा, ये कौन सा आपका ग्राइंडिंग व्हील, ये कौन सा, देखो एरो कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, वर्क, यानी ये क्या है आपकी, ये क्या है आपका, वर्क है, यानी कोई भी जॉब है, और इस पे ये मूवमेंट कैसा कर रहा है इसका, ये एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। क्लियर? एरो से क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तीसरा क्या है आपका, वर्क ब्लेड आपका हल्का सा ये रहा। ठीक है, हल्का सा ये एंगल में होगा जिसपे आपका ग्राइंडिंग व्हील टिकेगा। क्लियर? और चौथा कौन सा आपका, रेगुलेटिंग ब्लेड का मतलब यानी ब्लेड नहीं होगा, रेगुलेटिंग व्हील होगा, ये रेगुलेटिंग मेरा व्हील होगा, यानी ये वाला, और ये भी कैसा घूम रहा है मेरा, क्लॉकवाइज। तो यानी इसकी दिशा और इसकी दिशा क्लॉकवाइज है, मगर इस जॉब की दिशा कैसी है मेरी, एंटी क्लॉकवाइज है। क्लियर? या मैं ये भी कह सकता हूं, जब दो व्हील आपके क्लॉकवाइज घूमेंगे तो उनके अंदर जो मेरा जॉब फिक्स है वो कैसा घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लियर? ठीक है, यहां से मैं आपको एक चीज ये दिखाना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा भाई, ये इसका सेंटर है, ये मेरा छोटा व्हील है, ये इसका सेंटर है, हाँ जी सेंटर है, मगर जो इसमें मेरा ये वर्क ब्लेड होगा ना, ये वर्क ब्लेड जो होगा ये मेरे इस सेंटर से हल्का सा ऊपर होगा, यानी आप देख पा रहे होंगे ये इसका सेंटर है, मगर यहां सेट नहीं है, ये हल्का सा मेरा कहां सेट है, थोड़ा सा ऊपर सेट है। क्लियर हो गई क्या मेरी बात? मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था। यहां देख लो फटाफट से, नई इमेज देखो, क्या इसमें भी ऐसी है? हाँ जी है सर। क्लियर? ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, क्या इसमें भी है ऐसा? हाँ जी, इसमें भी है ऐसा जी। एक मिनट भाई,
एक मिनट रुकिएगा, यहां देखो क्या इसमें भी ऐसी है क्या, इसमें भी ऐसी है क्या? हाँ जी सर जी है, सर जी है, सर जी है। अगर मैं देखूं इसका सेंटर मेरे यहां दिख रहा है, अगर मैं यहां से एक सीधी लाइन खींचता हूं तो ये मेरा हल्का सा ऊपर इतना हो गया, क्या हुआ या नहीं हुआ, हुआ या नहीं हुआ? हाँ जी सर जी हो गया, सर जी मजा आ गया, बिल्कुल सेंटरलेस ग्राइंडर समझ में आ गया। आज के बाद यहां से कोई भी हमसे क्वेश्चन छूटने का नहीं है। ये देखो फटाफट से, क्या ये मेरा ग्राइंडिंग व्हील था? भाई देखो ये मेरा ग्राइंडिंग व्हील था, हाँ जी था। ये मेरा फीड व्हील, मैंने बताया था रेगुलेटिंग व्हील को मैं किस नाम से जान सकता हूं, फीड व्हील के नाम से भी जान सकता हूं। क्लियर? एंगुलर टॉप वर्क सपोर्ट ब्लेड, वर्क सपोर्ट ब्लेड। एंगुलर क्यों कहा? क्योंकि ये हल्का सा हमारा कैसा होता है, एंगुलर होता है। अरे भाई जब एंगल में होगा तभी तो आपकी गोल जो उस पर टिकेगी, जैसे आपका वी ब्लॉक होता है 45-45 डिग्री में होता है तो वो तिरछे होते हैं ना थोड़े, तभी तो उसमें गोल जो टिकती है ना। क्लियर? क्या इसका सेंटर यहां था? इसका सेंटर यहां था, यहां देखिए सेंटर लाइन भी जा रही है, तो क्या ये इतना एरिया मेरा हल्का सा बड़ा है या नहीं है, बड़ा है या नहीं है? क्लियर? तो मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि टूल ब्लेड जो होता है आपके सेंटर से हल्का सा बड़ा होता है। क्लियर? ठीक है, एक इमेजेस दिखा दू, इमेजेस दिखा दू इसकी, सर जी इमेजेस दिखा दो, सर जी इमेजेस दिखा दो, अभी दिखाने, चिंता मत करो, चिंता मत करो बिल्कुल भी, ठीक है, चिंता मत करो बिल्कुल भी। ये देख लो इमेज, देख लो फटाफट से। ओके एक मिनट रुक जाओ, बस एक मिनट रुक जाओ, बस इमेज दिखा रहा हूं मैं आपको भी। ग्राइंडिंग व्हील फोर, यहां देखना भाई, यहां देखो फटाफट से देखो, ये क्या हो गया आपका, वीडियो रोक दूं, यहां देखो क्या मिला आपको, चलो थोड़ा चलाता हूं अभी। ये देखो ये क्या था मेरा, ये मेरा रेगुलेटिंग व्हील है, ये मेरा क्या था, ये मेरा रेगुलेटिंग व्हील है, हाँ जी है। ये मेरा क्या हुई वर्कपीस, ये वर्कपीस कैसा आ रहा है, गोल आ रहा है भाई, गोल वर्कपीस। ये मेरा ग्राइंडिंग, ठीक है, इसका डाया बड़ा, इसका डाया मेरा छोटा। क्लियर? यहां से ये बात क्लियर हो गई, इसका डाया छोटा, इसका डाया मेरा बड़ा। ओके ठीक है, नेक्स्ट बढ़ा दूं आगे, हाँ जी बढ़ा दो सर जी, ठीक है, ये लो बढ़ गई वीडियो आगे, ठीक है। यहां देखो रेगुलेटिंग व्हील आगे हो गया, ठीक है, रेगुलेटिंग व्हील आपका आगे हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, ग्राइंडिंग व्हील हो गया। क्लियर? ये आपका यहां मिल गया, ठीक है। क्या बोला इसने, यहां देखो क्या बोला इसने, वर्क पीस इज सपोर्टेड, क्या बोल रहा है भाई ये, एक मिनट मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था बस। ठीक है, तो ये आपका ग्राइंडिंग व्हील वर्क पीस हो गया, ये देखो ये क्लो घूम रहा है, ये क्लो घूम रहा है, ये आपका एंटी क्लो घूम रहा है। क्लियर? यहां से देखो ये चीज आगे निकल के आपके, ये देखो फ्रंट आ गया, इसका फ्रंट व्यू आ गया, ये ए क्या है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये ए बी सी, ठीक है। बोला वर्क पीस इज कॉन्ट्रैक्टेड, मैं दिखाऊं क्या, ठीक है, तो ठीक है, तो इसने वही दिखाया भाई, ठीक है, परफेक्ट सर्किल बन गया, यानी जो ये व्हाइट कलर दिखाया ना इसने, ये व्हाइट कलर, ये क्या था मेरा, ये मेरा एक्स्ट्रा मटेरियल था, ठीक है। थर्ड पॉइंट, कॉन्टैक्ट इंक्रीजेस द राउंडनेस ऑफ वर्क पीस, यानी अब क्या बन गया, ये घुमाने पर मेरा पूरा परफेक्ट सर्किल बन गया, देख पा रहे, आप हल्की सी देख पा रहे, हल्की सी क्या है मेरी, ये तिरछी सतह है। क्लियर? तो ये आपकी किसकी वीडियो थी, सेंटरलेस ग्राइंडिंग की वीडियो थी, ठीक है, दो ग्राइंडिंग व्हील होते हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए भाई, किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक मिनट दोबारा दिखाऊं क्या, यहां देखो फटाफट से, यहां देखो क्या बोला सर, वर्क पीस इज सपोर्टेड, यानी वर्क पीस को सपोर्ट कौन कर रहा है, बाय आरडब्ल्यू रेगुलेटिंग व्हील एंड ब्लेड, ठीक है, यानी रेगुलेटिंग व्हील और ब्लेड आपका क्या कर रहा है, वर्क पीस को हमारा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। यहां से आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्या, ठीक है, आगे क्या बोला इसने, ये देखो वर्क पीस इज रोटेट पेरिफेरी स्पीड ऑफ आर डब्ल्यू, यानी जितनी उसकी स्पीड थी उससे। अच्छा एक क्वेश्चन यहां ये आता है भाई, फटाफट सुन लो, यहां क्वेश्चन एक ये आता है कि जो इसके अंदर जो भी ये वर्कपीस एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा इसकी स्पीड कितनी होगी, तो ध्यान देना
जितनी स्पीड इसकी रेगुलेटिंग व्हील की होती है ना, अगर रेगुलेटिंग व्हील आपका 10 की स्पीड पर घूम रहा है तो जॉब जो होगी वो भी आपके 10 की स्पीड पर ही मोशन करेगी, यानी रोटेट करेगी। क्लियर? ठीक है, तो यहां से आप ये भी क्वेश्चन राइट डाउन कर लीजिएगा। क्लियर? आगे बढ़ जाओ क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर जी, ओके ठीक है, आगे देखिए भाई। ओके, ये आपका फ्रंट व्यू दिख गया, ये आपका फ्रंट व्यू दिख गया, ए बी सी। ठीक है, तो वर्क पीस इज कॉन्टेक्टेड विद, यानी वर्क पीस किसके कॉन्टेक्ट में आ रहा है? आपके तीन चीजें कॉन्टेक्ट में आ रही है। देखिए फटाफट से मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था। यहां से ने क्या बोला, यहां जो आप ये देख पा रहे हैं ना, ये चीज ये क्या है मेरी, ये मेरा एक्स्ट्रा मटेरियल है। ये कैसा है? मेरा एक्स्ट्रा मटेरियल है, और इसी को मुझे हटाना है। गोल वर्क पीस है, तो ये घूमता 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 ये जो एक्स्ट्रा मटेरियल था ये मेरा हटा देगा। क्लियर? कितनी बात? ठीक है, आगे बढ़ू। ठीक है, ये देखिए वीडियो आगे बढ़ गई आपकी। ठीक है, ये तो उसने जब ये ग्राइंडिंग व्हील और रेगुलेटिंग व्हील घूमेंगे तो उसने क्या कर दिया, ये आपके हट गए। ठीक है, ओके क्लियर। ठीक है, तो यहां से आपको सेंटरलेस ग्राइंडिंग पूरी समझ में आ जानी चाहिए, सेंटरलेस ग्राइंडिंग पूरी समझ में आ जानी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को यहां से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। आज के बाद अगर सेंटरलेस ग्राइंडिंग में से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके ठीक है। तो सभी स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में यह लिख के बता दो जल्दी से, सेंटरलेस ग्राइंडिंग समझ में आई या नहीं आई। यस लिख के भेज दो, यस लिख के भेज दो फटाफट से। किस पे? सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन पर। अगर समझ में आ गई है आपको तो सभी स्टूडेंट यस लिख के भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में जल्दी से सभी स्टूडेंट यस लिख के भेज दीजिए। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं अब। 3D वीडियो है सर ये वीडियो? ठीक है, हाँ जी। वैसे ग्राइंडिंग व्हील को छोटा बड़ा होने का पर्पज क्या होता है विपिन विश्वकर्मा? छोटे बड़े होने का पर्पज बस यही होता है कि जो रेगुलेटिंग व्हील होता है आपका कम स्पीड पे घूमेगा, बड़े वाला आपका थोड़ा सी अधिक स्पीड पर घूमेगा। क्लियर? जल्दी से मुझे कोई किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन हो क्वेश्चन पूछ लो। ठीक है, क्लियर? ओके ओके ओके, संजीत गुप्ता। ठीक है, क्लियर? ओके ओके ओके, यस सर, यस सर, यस सर, सर वीडियो 3D है, हमें वीडियो 3D है। क्लियर? ठीक है, तो यहां से ये चीजें आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, आज के बाद भाई सेंटरलेस ग्राइंडर में से टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग में से इनमें कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होना चाहिए। और जो मेरे YouTube वाले स्टूडेंट है ये इससे पहले 3 क्लासेस जो है वो मैं आपको जो हमारा एप्लीकेशन ऐप है उसमें दे चुका हूं। क्लियर? उसमें मैंने आपको क्या क्या कवर करा दिया मैं जल्दी से दिखा देता हूं अभी आपको। ठीक है, ये हमारा पूरा सिलेबस है भाई, ये हमारा पूरा सिलेबस है। ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं इंट्रोडक्शन ट्रेड ये कंप्लीट हो चुका है, सेफ्टी प्रोकेशन फर्स्ट एड ये कंप्लीट हो चुका है, मार्किंग लेआउट ये कंप्लीट हो चुका है, कटिंग टूल आज आपका लास्ट टॉपिक है। कल से आपका प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट टॉपिक चलेगा। ठीक है, ये सारे टॉपिक अब मैं आपको लाइव क्लासेस में कवर करवा रहा हूं बिल्कुल डिटेल में जाके, पॉइंट वाइज जाके। ठीक है, जो हमारे ऐप वाले स्टूडेंट है प्लीज नीचे यूट्यूब के नीचे कमेंट कर दीजिएगा ताकि जो और भी स्टूडेंट है उन्हें भी पता चले कि हम आपको कैसे कैसे मटेरियल आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्लियर? ओके, तो बढ़ते हैं, आप किसकी तरफ बढ़ते हैं ध्यान से सुनिएगा भाई, अब ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल मेन टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी बुकों में नहीं दिया हुआ है, जो आपकी बुकों में नहीं दिया हुआ है। क्लियर? ठीक है, ओके, जब बढ़ते हैं भाई, आप किसकी तरफ बढ़ेंगे मैं आपको इमेज दिखा दूं एक, सबसे पहले मैं इमेज दिखा दूं आपको ताकि कुछ आपको आइडिया हो जाए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, आपको इमेज दिखी आपको? ठीक है, इमेज दिखी, हाजी दिख गई, सर जी दिख गई, ओके क्लियर। ध्यान सुनना मेरी बात, मैंने आपको शुरुआत में बताया था सेंटरलेस जो ग्राइंडिंग होती है दो तरह की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो अगर कोई गोल रोड है जैसे पिन स्लीव या स्टील की कोई भी सिलिंड्रिकल शाफ्ट हो, अगर उसपे से मुझे मेटेरियल हटाना हो आउटर सरफेस पर, तो क्या होगा, मैं
जो एक्सटर्नल सेंट्रलस ग्लैंड थी उसकी सहायता से हटा सकता हूँ, क्लियर? हाँ जी। मगर अगर मेरी कोई राउंड जॉब है, सिलेंड्रिकल जॉब है या सिलेंड्रिकल सॉफ्ट है, सॉरी सॉफ्ट नहीं सिलेंड्रिकल जॉब है, मगर अंदर से वो होलो है, अंदर से क्या चाहिए वो होलो, होलो का मतलब अगर वो खोखली है, अगर मैं मार्कर को ही देखूं मेरा, ये मेरा अगर उससे पॉइंट को हटा देता हूं तो ये अंदर से कैसा है मेरा, होलो है, ठीक है। जैसे आपका पेन होता है, पेन का अगर आप सिक्का निकाल देंगे तो वो आपका होलो पेन बन जाएगा, क्लियर? ठीक है, होलो मैन नहीं भाई, ध्यान सुना, होलो मैन नहीं होगा, आप हॉलीवुड की तरफ पड़ गए, क्लियर? ठीक है, तो अगर मुझे कोई होलो जॉब हो उसके अंदर ग्राइंडिंग करनी हो तो वहां तो मैं फ्लैट ग्राइंडर यूज नहीं कर सकता, ना बेंच ग्राइंडर यूज कर सकता, ना एक्सटर्नल ग्राइंडिंग यूज कर सकता, वहां मैं कौन सा भी कौन सी ग्राइंडिंग मशीन यूज करूंगा, इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन, क्लियर हो गई ना मेरी बात? ठीक है, तो ये जो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है मेरा, इंटरनल सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन में हमारा ये छोटा सा इमेज है, ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल ठीक आपकी ऐसे ही होती है, ठीक आपकी ऐसी ही होती है, बस इसमें अंतर क्या आ जाता है, यहां आपके दो व्हील थे, यहां आपके दो व्हील थे, इनके बीच में जॉब गया, ठीक है, मगर जो आपकी इंटरनल सेंट्रलस ग्राइंडिंग मशीन होगी उसमें आपके कितने व्हील होंगे, उसमें आपके तीन व्हील होंगे, कितने व्हील होंगे स्टूडेंट, तीन व्हील होंगे, क्लियर? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एक्सटर्नल सॉरी इंटरनल सेंट्रलस ग्राइंडिंग मशीन में कितने व्हील होते हैं, तीन, और एक्सटर्नल में कितने होते हैं, दो, ठीक है। तो मैं आप किसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं आपको, इंटरनल के बारे में, ठीक है, ध्यान में समझिएगा। सबसे पहला व्हील क्या हुआ, आप ये वाला देख पा रहे हैं क्या, जो ये ब्लैक हुआ और इसके अंदर ये ग्रीन हुआ, ठीक है, जी से ग्रीन लिख रहा हूं मैं, जी से ग्रीन लिख रहा हूं। तो जो एक ये व्हील होता है ये कौन सा होता है मेरा, रेगुलेटिंग व्हील होता है, रेगुलेटिंग व्हील होता है, क्लियर? रेगुलेटिंग व्हील का मैंने दूसरे पहले भी नाम क्या बताया था आपको, फीड व्हील भी बताया था, या फीड रोलर भी कह सकता हूं मैं, क्लियर? ठीक है, ओके, ये पहली बात क्लियर। तो पहला व्हील ये, हाँ जी लगा दूं का निशान, हाँ जी लगा दो, ठीक है। एक आपने ये देखा जिसके ऊपर ये ऑरेंज हो रहा, ऑरेंज ऑरेंज हो रहा है, ठीक है, दूसरा व्हील ये, ठीक है, क्लियर, दूसरा व्हील लिख दिया मैंने। आपने ये देखा जिसके अंदर मेरा हल्का हल्का ग्रे ग्रे हो रहा है, ठीक है, ये क्या, ये मेरा थर्ड व्हील, ठीक है। तो क्वेश्चन मेरा आपको यहां से यह बन गया कि इंटरनल सेंट्रलस ग्राइंडिंग में मेरे तीन व्हील होंगे, क्लियर, ठीक है, ओके। अब आप ये पूछ रहे होंगे, सर जी जो ये ब्लैक ब्लैक ये है, यहां देखो फटाफट से, ये मैं पिंक कर देता हूं हल्का सा से, यहां देखो लो इसे, सर जी जो ये ब्लैक ब्लैक सा ये है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, जो मैंने ये ब्लू ब्लू करा, ये जो मैंने ब्लू ब्लू करा, ये क्या है? तो ये मेरा क्या है बच्चों, ये मेरा वर्क पीस है, आप यहां देख पा रहे हैं क्या, यहां देख पा रहे हैं क्या, ये क्या है मेरा, ये मेरा वर्क पीस है, ये होलो है, ठीक है, ये मेरा होलो है, ओके। और जो इसके अंदर ये वाला पार्ट है, ये इतना पार्ट, ये क्या है मेरा, ये मेरा ग्राइंडिंग व्हील है, ये मेरा क्या है, ग्राइंडिंग व्हील है, ठीक है। तो मैं यहां से बोल सकता हूं मेरे रोलर कितने होंगे, रोलर होंगे एक दो तीन, और ये क्या होता है मेरा ग्राइंडिंग व्हील, मगर ये काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे यहां क्या लिखा हुआ है, एब्रेसिव ग्राइंडिंग रोलर है, ठीक है, क्लियर मेरी बात, ठीक है, ओके। और ये जो एब्रेसिव ग्राइंडिंग रोलर जो होगा ये कहां होगा, जॉब के अंदर फिक्स होगा, क्लियर होगी इतनी बात, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें यही आया, क्लियर, ठीक है। अब इनकी मूवमेंट की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले इनका काम जान लीजिए, जो रेगुलेटिंग व्हील होगा वो क्या काम करता है, वर्क पीस को क्या करता है, वर्क पीस को, वर्क पीस जो आपका ये वर्क पीस होगा ये वाला, इसको क्या करता है, मोशन प्राप्त, मोशन करता है, ठीक है, मोशन, ठीक है, वर्क पीस को क्या करेगा, ये मोशन देगा। मोशन का मतलब पता क्या होता है सर जी, इसमें ये क्या लिखा है सर जी, उसमें वो क्या लिखा है, ठीक है, कि क्लियर भाई, कमेंट पर ध्यान मत दो भी सभी, अभी वैसे कमेंट मत पूछो, सारे कमेंट का जवाब मैं बाद में दे दूंगा आपको, ठीक है, मैं शुरू से सुन लो शुरू से, ठीक है। तो मैंने अभी तक क्या बताया, ठीक है, अगर मैं बात करूं रेगुलेटिंग रोलर की, रेगुलेटर रोलर की, यानी जब ये चलेगा, ये चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, तो ये वर्कपीस भी तो मोशन में आएगा ना। तो रेगुलेटिंग व्हील का काम क्या होता है, ये वर्कपीस के मोशन को कंट्रोल करता है, वर्कपीस के मोशन को कंट्रोल करता है। मतलब क्या, मतलब बस आपका यही है कि जितनी स्पीड पर ये रेगुलेटिंग व्हील घूमेगा उतनी ही स्पीड पर आपका वर्कपीस भी घूमेगा, क्लियर, ठीक है। दूसरा जो रोलर आता है इसे क्या बोलते हैं, यहां देखिए भी ये ग्राइंडिंग व्हील नहीं है, ये रोलर है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पूछता है वो यही पूछता है, इंटरनल सेंट्रलस ग्राइंडिंग में कितने रोलर होते हैं, तीन, ठीक है। प्रेशर रोलर क्या होता है, सेकंड वाला प्रेशर रोलर क्या होता है, ये इस पे हल्का सा
प्रेशर डालता है, यानी ये इस पर हल्का सा दबाव डालता है और ये इसे हम इसकी इसे जो ये प्रेशर रोलर है इसे हम एंगेज भी कर सकते हैं और डिसएंगेज भी कर सकते हैं, यानी इस पर हम हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ठीक है। जो हमारा यह थर्ड रोलर है ये क्या काम करता है, वर्क पीस को हमारा सपोर्ट करता है, क्लियर। और जो उसके एब्रेसिव जो ग्राइंडिंग था ये तो आपके इसके अंदर जो यहाँ से अंदर जो पार्ट था आपका, यानी ये पार्ट अगर कोई भी अनवांटेड है तो इसे ये घूमते घूमते रोटेट हटा देगा, क्लियर, ठीक है। यहां से फटाफट से सुन लीजिए, ठीक है। मगर जो इसमें अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो ध्यान सुनेगा, रेगुलेटिंग व्हील, प्रेशर व्हील और सपोर्ट व्हील, रेगुलेटिंग व्हील, प्रेशर व्हील और सपोर्ट व्हील की डायरेक्शन पता कैसी होती है, एंटी क्लॉकवाइज। कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तीनों रोलर की जो आप घूमेंगे कैसे घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, क्लियर। अब मुझे आप ये बता दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आके, अगर तीनों रोलर मेरे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो वर्कपीस भी तो घूमेगा ना भाई, जब ये घूमेगा तो वर्कपीस को भी घुमाएगा, वर्कपीस और जो ग्राइंडर था इसकी क्या, इसकी कैसी गति होगी, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है। आगे ना भी बात समझ में, किसकी मोशन पूछा आपको, वर्कपीस और जो एक ग्राइंडर व्हील था इसके अंदर, इनका मुझे बता दीजिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आके। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर ये तीनों मेरे कैसे घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो वर्कपीस और ग्राइंडिंग व्हील मेरा क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, कमेंट बॉक्स में सभी स्टूडेंट यूट्यूब वाले और ऐप वाले जवाब दे दो मुझे फटाफट से, जवाब दे दो फटाफट से भाई, जवाब दे दो फटाफट से YouTube वाले और सभी स्टूडेंट जवाब दे दीजिए। सर घूमेगा, घूमना इंटर सेंट्रलस ग्राइंडर सर, ठीक है, हाँ भाई, यस ऑल राइट, ठीक है, राइट, राकेश कुमार घूमना, जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो सब फटाफट से। सर आपकी डेली क्लास चलती है क्या, हाँ जी सर, गुड इवनिंग डियर सर जी, संतोष कुमार राजपूत फिटनेस ट्रेनिंग है, दोनों यूजी है ओके, राइट, बिल्कुल सही, क्लॉकवाइज, ठीक है, बिल्कुल सही, क्लियर, बिल्कुल ठीक, सभी स्टूडेंट का क्वेश्चन राइट है। जो स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं ना कि सर आपकी क्लासेस, एक स्टूडेंट कमेंट किया है हल्द्वानी से है, यूके से, वेलकम बेटा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं सर आपकी क्लासेस कहाँ मिलेगी, मेरी क्लासेस कहाँ मिलती है, आपको एप्लीकेशन ऐप पर मिलती है, आपकी स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, तो आप उसी नंबर पर हमें से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं क्लास से रिगार्डिंग, क्लियर भाई। मैंने आपको इससे पहली वाली से भी बताया था, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन गलत आया है तो मैं उसे हल्का सा दो मिनट लेना चाहता हूँ। तो मैंने इसमें आपको बस यही बताया था भाई कि अगर आपकी व्हील की कंडीशन कैसी भी होगी, व्हील की कंडीशन कैसी भी होगी, वर्कपीस की कंडीशन ठीक आपके उसके उल्टी होगी, ठीक है, इतनी चीजें मैंने आपको बताई थी ना। या मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आपकी व्हील, अगर आपकी जॉब की कंडीशन कैसी होगी, यानी जॉब की रोटेशन कैसी होगी, व्हील की कंडीशन ठीक उससे उल्टी होगी। तो यह हल्का सा कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, इसमें आप रट क्यों रहे हैं, इसमें आप रट क्यों रहे हैं, ठीक है। तो जिस किसी स्टूडेंट ने मेरे से, मैंने अभी पूछा था आपसे कि अगर मेरा रेगुलेटिंग व्हील जो होते हैं इंटरनल में वो एंटी क्लॉकवाइज चलेते हैं, मगर मेरा वर्क पीस और ये ग्राइंडिंग कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज में घूमेगा, क्लियर ना मेरी बात भाई, क्लियर ना मेरी बात। अगर एग्जामिनर यहां से हल्का सा आपको घुमा दे और वो अगर ये कह दे कि ग्राइंडिंग व्हील आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है और वर्क पीस भी आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो बताइए इंटरनल सेंट्रलेस ग्राइंडिंग में आपके तीनों रोलर कैसे घूमेंगे, तो तीनों रोलर कैसे घूमेंगे आपके, क्लॉकवाइज घूमेंगे। सर ने ये कॉन्सेप्ट हमें याद करवा दिया, सर जी मजा आ गया, बिल्कुल सर जी मजा आ गया, ठीक है ओके। तो यहां से इंटरनल सेंट्रलेस ग्राइंडिंग और सेंट्रलेस एक्सटर्नल सेंट्रलेस ग्राइंडिंग, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। आज के बाद अगर पेपर में यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, छूटना नहीं चाहिए, छूटना
नहीं चाहिए यहां से, ठीक है। जिस किसी स्टूडेंट ने इमेजेस का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, YouTube वाले स्टूडेंट्स प्लीज ले लीजिएगा, प्लीज ले लीजिएगा, क्लियर। यहां वही दिखाया भाई, रेगुलेटिंग व्हील, वर्कपीस, प्रेशर रोलर, सपोर्ट रोलर, एब्रेसिव ग्राइंडिंग रोलर, ठीक, क्लियर, ठीक है। एक व्हील आप, एक ये भी है आपको, YouTube वाले स्टूडेंट यहां से ले लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। तो यहां से ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ओके। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ते हैं सेंटरलेस ग्राइंडिंग के, हम क्या पढ़ेंगे सेंटरलेस ग्राइंडिंग के, हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एक तरफ आप डाल लीजिए एडवांटेजेस, हल्के से एक तरफ आप डाल लीजिए एडवांटेजेस, ओके, और दूसरी तरफ क्या डाल लीजिए डिसएडवांटेजेस, दूसरी तरफ क्या डाल लीजिए डिसएडवांटेजेस डाल लीजिए, ठीक है। ध्यान सुने, किसके पूछ रहा हूं मैं, सेंटरलेस ग्राइंडिंग के पूछ रहा हूं। तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होगा भाई, सेंटरलेस ग्राइंडिंग में क्या होगा, आपको बस आप जॉब डाल दीजिए, काम आपका होता रहेगा। तो इसका यूज कहां करता हूं मैं, इसका यूज ज्यादातर करता हूं मैं मास प्रोडक्शन में, क्लियर मेरी बात, ठीक है, जहां मुझे बहु उत्पादन करना हो, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, नो प्री वर्कआउट नीड, नो प्री वर्क आउट नीड। इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब समझिए भाई, जैसे कोई आपका ग्राइंडर व्हील है तो सब आप वर्क पे जॉब को ले जाएंगे तो क्या करेंगे, उसे आप पहले कहीं ना कहीं सेट करेंगे, चाहे वॉइस में करें, चाहे नट बोल्ट की सहायता से करें, क्लियर, या उस पर अलग अलग तरह के ट्रीटमेंट भी करने पड़ते हैं आपको, खड़ा होना सही होना चाहिए किस पे, जमीन पे, और कैसे ग्राइंडर को आपको कैसे चलाना है, तिरछा चलाना है या टेढ़ा चलाना, तो उस पे हमें कैसे ना बहुत सी डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग करनी पड़ती है। मगर हम सेंटरलेस ग्राइंडिंग में कोई सेटिंग हमें नहीं करनी पड़ती, बस आप किसी पिन को लाइए, होलो लाइए या एक्सटर्नल कोई भी सिलेंडर का रोड लाइए, उन्हें दो पहियों के बीच में इसी तरीके से डाल दीजिए, तो वहां आपका क्या होता है, वहां आपका टाइम भी बचता है, टाइम कंज्यूम, क्लियर ना मेरी बात, ठीक है, क्लियर, ओके। तो कोई हमें प्री वर्कआउट नहीं करना पड़ा, टाइम भी हमारा इसमें बच गया, क्लियर, ठीक है। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला डिसएडवांटेजेस क्या होगा, सबसे पहला इसमें डिसएडवांटेज ये होगा कि आपको पता है जो दो रोलर थे, जो दो ये वाले रोलर थे, जो दो पहिए थे हमारे, यहां देखो फटाफट से, यहां देखो ये क्या थे हमारे, दो पहिए थे हमारे, ये दो हमारे पहिए थे, हाजी पहिए थे, हाँ जी पहिए थे, ठीक है। तो सपोज करो इनके बीच के, यानी इनके बीच का जो गैप हुआ कितना था, कितना था, 10 mm का था, ठीक है। तो यानी इनके बीच में जो रोड जाएगी ना, उसका आउटर डायर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर मुझे सपोज करो, मुझे अगर 12 mm का या 15 mm की कोई रोड आ गई, तो उस पे तो मैं अंदर डाल नहीं सकता ना, क्यों, क्योंकि उसका साइज बड़ा हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस व्हील की पूरी सेटिंग मुझे आगे पीछे एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्लियर, ठीक है। तो डिसएडवांटेज का सबसे पहला क्या हुआ, यानी मैं इसमें डिफरेंट डाया के वर्कपीस को, कैसे वर्कपीस, सिलेंड्रिकल वर्कपीस, ठीक है, यानी डिफरेंट डाया के सिलेंड्रिकल वर्कपीस को होल्ड नहीं कर सकता हूं, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया ना भाई, ओके, नहीं कर सकता हूं, पहला डिसएडवांटेज इसका ये होगा। दूसरा डिसएडवांटेज इसका क्या होगा, दूसरा डिसएडवांटेज देख लीजिए, ये भी बहुत सिंपल है, दूसरा डिसएडवांटेज ये होगा इसका कि आपको पता है कि इसमें एक बार अगर इनके बीच में अगर जो मशीन थी आपकी, जो आपकी, एक मिनट में दिखा दूं जरा आपको, इमेज दिखा दूं, इमेज के थ्रू समझाऊंगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। वो आपकी मशीन कहां गई भाई, मशीन कहां गई आपकी, मशीन कहां गई, मशीन ये देखो, यहां देखो, आपको पता है ये मेरा ग्राइंडिंग व्हील था, ये रेगुलेटिंग व्हील था, अगर मैं इसमें एक बार जॉब ऐसे डाल दूंगा तो काम होने के बाद ये दूसरी तरफ निकल, दूसरी तरफ गिर जाएगी, क्लियर, ओके। तो उसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें जॉब ना जाके, सीधी ना जाके, मेरी सीधी ना जाके हल्की सी टेढ़ी हो जाए, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, क्लियर। तो इसमें मैं, इसमें मेरा सेकंड एग्जांपल मेरा ये होगा कि इसमें कंसेंट्रिसिटी हमारी क्या हो सकती है, भंग हो सकती है, ठीक है, कंसेंट्रिसिटी हमारी खो सकती है या भंग हो सकती है या लूज हो सकती है, किसकी, वर्क पीस की, क्लियर, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस थे, ठीक है, आपके मेथड ऑफ सेंटरलेस ग्राइंडिंग, ठीक है, क्लियर, राइट बेस, ठीक है, क्लॉक वाइज, हाँ भाई बिल्कुल सही है, जितने भी सभी ऐप वाले स्टूडेंट हैं सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, क्लियर। तो यहां से आपका ग्राइंडिंग मशीन जो था, पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल में जाके सारी चीजें आपको डिटेल में जाके कवर करा दिए, क्लियर, ठीक है, ओके। इसमें एक हल्का सा टॉपिक, इसमें आप कोई टॉपिक आई थिंक बचा नहीं है, ठीक है,
इसका नाम बता दो भाई, इसका नाम बता दे क्या कोई मुझे, इसका नाम बता दे। कल मैंने आपको बताया था व्हाट इज दिस, यानी ये इस टूल का नाम क्या है, इस टूल का नाम क्या है, इस टूल का नाम क्या है, जल्दी से मुझे बता दो। और शर्त मेरी ये है, पूरा नाम चाहिए मुझे इसका, फुल नेम क्या है इसका, फुल नेम क्या है इसका, ठीक है, फुल नेम क्या है मुझे ये बता दो जल्दी, सभी स्टूडेंट जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो फुल नेम इसका क्या होगा, जो इमेजेस आपके सामने मैंने दिखाई हुई है, ठीक है, जल्दी से बता दो सभी स्टूडेंट प्लीज मुझे इसका आंसर दे दीजिए। डायमंड ड्रेसर ठीक है भाई, सभी ने आंसर मुझे इसका, किसने डायमंड ड्रेसर दिया इसका आंसर, किसी ने मुझे इसका आंसर पूछ दिया, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा, अभी भी मेरे पास सही आंसर नहीं आ रहा है, अभी भी मेरे पास सही आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये ड्रेसर नहीं है, स्टार ड्रेसर है ये हमारा स्टार ड्रेसर है, ठीक है, स्टार ड्रेसर है स्टार, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां अगर आप देखेंगे तो हल्के हल्के स्टार दिखेंगे आपको, और इसका पूरा नाम क्या है हमारा, हंटिंगटन स्टार ड्रेसर, ठीक है, हंटिंगटन स्टार ड्रेसर इसका पूरा नाम है, कल की क्लासेस में भी मैं ये आपको बताया था, और जो स्टूडेंट ये पूछ रहे सर क्या क्लासेस आपकी रोज चलती है, एप्लीकेशन पे मेरी क्लासेस रोज चलती है, क्लियर, ठीक है, ओके, तो यहां से आपका ग्राइंडिंग जो टॉपिक था आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, ओके, बिल्कुल क्लियर हो गया आपका ग्राइंडिंग टॉपिक। किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है मेरे से, किसी स्टूडेंट का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं फिर क्लास सेशन को एंड करता हूँ। जो हमारे ऐप वाले स्टूडेंट है प्लीज यूट्यूब के जो नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको क्लासेस कैसी लगती है, और जल्दी से मुझे फीडबैक दे दो, जल्दी से सभी स्टूडेंट मुझे फीडबैक दे दो कि आज की क्लासेस कैसी लगी आपको, आज की क्लासेस कैसी लगी आपको, और जिन स्टूडेंट अभी तक हमारा ये MGM जो क्रैश कोर्स है वो ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज वो जाके ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम आपको डेली लाइव क्लासेस देते हैं, क्लियर, जल्दी से अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है मेरे से प्लीज पूछ लीजिए, ओके, ग्राइंडिंग को लेकर, और मुझे प्लीज फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको आज की क्लासेस कैसे लगी। बैलेंसिंग बचा हुआ है सर, बैलेंसिंग बचा हुआ है, स्टार ड्रेसिंग टूल, बैलेंसिंग का मतलब देखो, बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान सुनिए, अगर आपका ग्राइंडिंग व्हील काम करते करते इधर उधर घूरा है यानी, तो उससे क्या होती है, उसकी बैलेंसिंग ठीक नहीं, यानी जिसे बोलते हैं बेवलिंग, ठीक है, तो उसे ठीक कैसे करते हैं, उसे सबसे पहले मैंड्रिल में डाल देते हैं, और मैंड्रिल के बाद आपको ग्राइंडिंग व्हील को मैंड्रिल के बीच में ऐसे डाल देंगे, और उस पर हल्की सी क्या लगा देंगे, चोक लगाएंगे और उसे घुमा देंगे, ठीक है, अगर घुमाने के बाद चोक जो होती है, चोक का निशान आपका हर बार एक ही जगह आ रहा है, यानी सपोज कीजिए ये मेरा ग्राइंडिंग व्हील था, ये मैंने मैंड्रिल डाल दिया और ग्राइंडिंग व्हील को घुमाया, और हर बार मेरा जो चोक का निशान मेरा यहां था वो हर बार यही आ रहा है, तो इसका मतलब मेरे ग्राइंडिंग व्हील में क्या है, त्रुटि है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूं, अगर कोई छोटा ग्राइंडिंग व्हील हुआ तो उसमें मिलिंग कटर की सहायता से मैं क्या करूंगा, हल्की सी ग्रूव बना दूंगा और उसमें मैं लैड भर दूंगा, ठीक है, क्या भर दूंगा, लैड भर दूंगा, तो ऐसे करने पर मेरा जो ग्राइंडिंग व्हील थी उसकी आसानी से बैलेंसिंग हो जाएगी, क्लियर, ठीक है, यहां से क्लियर हो गया ना भाई, ओके, ओके, थ्योरी फॉर्मेट में विजेंद्र कुमार सर, डियर सर, न्यूमेटिक एंड हाइड्रोस्टैटिक क्लास टुमारो लीजिए, ओके, व्हील का वेस्टेज, ठीक है,
ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि सर डेली क्लासेस लेते हैं क्या यूट्यूब पे, यूट्यूब पर हमारी डेली क्लासेस नहीं होती है, एप्लीकेशन पे होती है, ठीक है। अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जीएसएल का सर करा दीजिए, क्या करा दीजिए भाई, व्हील का वेस्टेज, व्हील का वेस्टेज, व्हील का वेस्ट, व्हील का वेस्टेज जो होता है ना, या व्हील का फटना होता है, तो कब फटेगा आपका, क्रैक कब आएंगे, फटना है, क्रैक का मतलब एक ही होता है, जब आप ग्राइंडिंग व्हील को ज्यादा स्पीड पर चलाते हैं ना, तो उस पर क्रैक आ जाते हैं आपके, क्लियर, ठीक है। तो सचिन यही था आपका, ओके, राहुल सोने वाला, ओके। तो यहां से मैंने आपको जल्दी सभी स्टूडेंट मुझे ये बता दीजिए, क्लासेस सर ग्राइंडिंग के मोस्ट क्वेश्चन नहीं लाए क्या, जब आएगा, जब वो आने वाला टेस्ट होगा ना, उसमें डाल दूंगा क्वेश्चन, क्लियर, ठीक है। जल्दी से मुझे बता दीजिए क्लासेस कैसी लगी, आपको फीडबैक दे दीजिए, फिर मैं क्लासेस को एंड करता हूँ, जल्दी से मुझे फीडबैक दे दीजिए। एक क्वेश्चन, एक बच्चे ने पूछा सर ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, यानी जो आपकी ड्रेसिंग का मतलब होता है व्हील के फेस को साफ करना, ठीक है, या उसमें जो कण आपके फंस चुके हैं, जो लोडिंग हो चुकी है, उसे दूर करने को हम क्या कहते हैं, ड्रेसिंग कहते हैं। और ड्रेसिंग का मतलब यह नहीं होता कि व्हील को आपको शुद्ध रूप दे दे, वो नए कण को उभारता है, कण कौन से, एब्रेसिव कण, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको आपके क्लासेस में बता चुका हूं, जिस किसी YouTube वाले स्टूडेंट ने पूछा था, ओके। तो जल्दी से मुझे फीडबैक दे दीजिए, फिर मैं सेशन को ऐड करता हूं। सर इसरो के लिए कितना एग्जाम होते हैं सर, क्लास में मजा आ गया, इसरो के लिए ठीक है। तो भाई सेशन को एंड करते हैं, कुछ बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं निरंतर मेरे पास, सर ग्राइंडिंग व्हील का बना होता है, तो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है आपके एब्रेसिव प्लस बोन्ड का बना होता है। एक किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन ये आया था कि सर सीटीआई के फॉर्म कब आएंगे, तो 1 से 2 महीने बाद आपके सीटीआई के फॉर्म आ जाएंगे, जैसे ही आएंगे फॉर्म मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो। प्लीज जो स्टूडेंट हमारे एप्लीकेशन वाले यूट्यूब पे, प्लस कमेंट जरूर करिएगा, ताकि और स्टूडेंट को भी पता पड़े हम क्लासेस में आपको क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, क्लियर, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, मिलते हैं अगले क्लासेस में, कौन से नए चैप्टर के साथ, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को लेकर, ओके। उससे पहले हम जानते हैं देशभक्त, ठीक है, जिस किसी स्टूडेंट को अगर रास्ते में कोई फौजी दिखे, आशीष सर की तरफ से सलूट करना ना भूलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल शाम 6 बजे एप्लीकेशन के क्लासेस पे नए टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।